नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा विद्या भवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह सपरिशिष्ट प्रकाश हिंदी भाष्योपेता हिंदी व्याख्याकार और अनुवादक प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी हैं। पुस्तक का मूल्य 600 रुपये है। पुस्तक मैंने अमेजोन की वेबसाइट से ली थी क्योंकि जब मुझे लेना था उस समय करीब 1-2 साल पहले तो उस समय उपलब्ध नहीं थी चौखंबा की वेबसाइट पर। पीछे चौखंबा द्वारा प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों की एक सूची दी गई है। कुल पृष्ठ इसमें 925 है जिसमें से करीब 62 पृष्ठों में भूमिका इंट्रोडक्शन आदि है और बाकी 863 में मूल ग्रंथ और परिशिष्ट वगैरह है। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की का परिचय है यहाँ कुछ। आचार्य हैं एमए डीलिट पटना, रीडर डिपार्टमेंट संस्कृत पटना यूनिवर्सिटी पटना। आशीर्वचन है काशी स्थान पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री शंकराचार्य श्री 108 स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा। तो यहाँ उन्होंने ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी दी है, इस पुस्तक के बारे में कि किस प्रकार से विषय को पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। मूल एक ग्रंथ है, उसके बाद मूल श्लोक है, उसके बाद उसका अनुवाद दिया गया है और मूल श्लोक के अनुवाद के बाद विशेष करके एक सब हेडिंग दी गई है और उसमें समझाने के लिए अधिक विषय दिया गया है। उस दर्शन से संबंधित या जो भी उस श्लोक में जिस विषय पर चर्चा की जा रही है उससे संबंधित परिभाषाएँ व्याख्याएँ वो सब दी गई हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से ध्यान रखा गया है कि जो मूल अनुवाद है वो हिंदी, उसकी प्रकृति हिंदी रूप की ही हो और जो मूल श्लोक है उस विषय को से सबसे अधिक से अधिक क्लोज हो, उसको सटीक तरीके से प्रस्तुत कर रही हो और उसके वजह से अगर कहीं जटिलता आ गई है तो वो विशेष वाले अलग से संदर्भ देके उसको समझा दिया गया है। यहाँ फिर कहते हैं आधुनिक ढंग के पाठकों को ध्यान में अधिक रखा गया है जो सामयिक और समुचित भी है, इसलिए संस्कृत की पारिभाषिक पदावलियों के समानांतर अंग्रेजी में प्रचलित प्रयोग भी रख दिए गए हैं। तो अब जब हम ग्रंथ देखेंगे तो देखेंगे जहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है वहाँ जो तकनीकी शब्द हैं हिंदी में या संस्कृत के जो मूल तकनीकी शब्द हैं उनके बगल में ब्रैकेट में उनका अंग्रेजी रूपांतर भी दे दिया गया है ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं या फिर उतने फ्लुएंट नहीं हैं हिंदी के समझ में उनके लिए समझना थोड़ा आसान रहे। उनकी प्रामाणिकता के लिए रूपांतरकार स्वयं उत्तरदायी है, यानी कि उन अंग्रेजी शब्दों की प्रामाणिकता के लिए। आधुनिक पाठकों की रुचि और आधुनिक शैली पर भी ध्यान होने के कारण बीच बीच में किसी किसी दर्शन की संक्षिप्त ऐतिहासिक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी गई है, परंतु ऐसे प्रसंगों में कहीं कहीं अनवधानता है तो ये एग्री नहीं कर रहे हैं। जैसे एक जगह पृष्ठ संख्या 275 पर शैव आगमों के बीच में अहिर्बुंध संहिता को लिख दिया गया है तो यह ठीक नहीं है। इनके अनुसार अहिर्बुंध संहिता पांचरात्र आगम के अंतर्गत आती है जो हम सब जानते हैं कि वो एक वैष्णव आगम है। तो एक त्रुटि है जो इन्होंने अपने आशीर्वचन में उसका उल्लेख किया है। अंत में बहुत ही अच्छी सूची दी गई है परिशिष्ट में ग्रंथों की, वो अभी हम देखेंगे तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी में फॉरवर्ड है डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी द्वारा, वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, यानी कि मूल ग्रंथ के बारे में, थोड़ा पुस्तक के बारे में। विद अ सिंगुलर स्ट्रोक ऑफ जीनियस माधवाचार्य रैनसैक्ड ऑल पॉसिबल सोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम द वेदास डाउन टू हिज कंटेम्प्रेरीज टू मेक हिज वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल। इट देयरफॉर एम्बॉडीज व्हाट इंडिया इन इट्स अनअबेटेड फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस फॉर मोर देन 2000 ईयर्स हैज प्रोड्यूस्ड। माधवाचार्य ब्रिंग्स इनटू प्रोमिनेंस द सेलियंट फीचर्स ऑफ एज मेनी एज 16 स्ट्रीम्स ऑफ फिलोसफिकल थॉट। In a language which is both precise and forceful, he reorganizes the materials and marshals them into logical hierarchy to lead ultimately to absolute monism. फिर ये यहाँ लिख रहे हैं कि श्री शर्मा हैज़ बेस्ड हिज हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि ये जो हिंदी ट्रांसलेशन अभी हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे, अपॉन द कमेंट्री ऑफ महामहोपाध्याय श्री वासुदेव शास्त्री। तो वो अपनी भी इंट्रोडक्शन में श्री शर्मा जी भी इनका उल्लेख कर रहे हैं। इन्होंने ही प्रथमतः इस ग्रंथ का अपनी संस्कृत टीका के साथ संपादन किया था श्री वसुदेव शास्त्री जी ने। फिर ये इंट्रोडक्शन आ रहा है, इस पुस्तक में एक इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और एक इंट्रोडक्शन हिंदी में भी उपलब्ध है, मगर ये दोनों एक दूसरे के अनुवाद नहीं हैं। विषय पुस्तक से ग्रंथ से ही डील कर रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ते हैं वो दोनों ही भूमिकाएँ पढ़ सकते हैं, उससे उनको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। द सर्वदर्शन संग्रह ऑफ माधवाचार्य इज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इट्स काइंड एवर मेड इन संस्कृत टू एक्सपोज इन अ ल्यूसिड बट क्लियर एंड स्कॉलरली बट अनऑस्टेंशियस मैनर ऑल द देन एक्सटेंट फिलोसफिकल सिस्टम्स इन इंडिया। हरिभद्र सूरीज सर्वदर्शन सामुच्य हैड ऑलरेडी इनॉग्रेटेड द सेरेमनी ऑफ कलेक्टिंग फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स स्कैटर्ड ओवर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ थॉट बोथ वैदिक एंड नॉन वैदिक। सर्वदर्शन सामुच्य जो श्री हरिदर्शन सूरी की का ग्रंथ है, इसके बारे में हम चैनल पर पहले
सुन चुके हैं, जब हम योग दर्शन की श्री उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक जो थी, उनका जो भाष्य है, उस पर की भूमिका देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने इनके षट दर्शन सामुच्य ग्रंथ का थोड़ा खंडन भी किया है, क्योंकि जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है श्री हरिदर्शन श्री हरिभद्र सूरी ने, उसे वो अग्री नहीं करते हैं। और इस पुस्तक में भी लिखा गया है इस षट दर्शन सामुच्य के बारे में कि स्टिल दैट वर्क कुड नॉट बी वेलकम्ड एज अथॉरिटी इवन बाय द प्राइमरी वर्क्स, टू स्मॉल एज द ट्रिटाइज वर्स, क्योंकि वर्ण बहुत ही छोटा था एंड इट कंटेन्ड ओनली अ फ्यू वर्सेज डिवोटेड टू ईच सिस्टम, अवॉइडिंग इवन द स्लाइटेस्ट डिस्कशन ऑन एनी डिबेटेबल इशू। ये षट दर्शन सामुच्य की बात हो रही है। हालांकि ये ग्रंथ काफ़ी पॉपुलर है, प्रकाशित भी हो रहा है, अभी भी चौखंबा द्वारा भी प्रकाशित है, अगले वर्ष हम इस ग्रंथ को भी देखेंगे। द सर्वदर्शन संग्रह कंटेन्स ऑल दैट अ मैन इज रिक्वायर्ड टू नो एज टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स एंड अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ ट्रेडिशनल डिस्कशन मेकिंग यूज ऑफ ऑल लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इन्फरेंशियल आर्गूमेंट फैलसीज तर्कवाद इज ऑल्सो फाउंड इन इट। फिर हम अभी हम जब एक बार वो देख लेंगे विषय सूची, तो फिर मैं आपसे जानकारी साझा करूँगा कि किस प्रकार से विषयों को, विभिन्न दर्शनों को प्रस्तुत किया है माधवाचार्य जी ने। फिर कुछ ग्रंथ के बारे में उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि माधवा डज नॉट इंटेंड टू इम्पोज एनी आइडिया अपॉन हिज रीडर्स, हिज मेन थीसिस इज टू एक्सप्लेन द सिस्टम एज लूसिडली एंड एज स्कॉलरली एज पॉसिबल। दूसरा ये कह रहे हैं कि माधवा कीप्स अ वेरी कीन सेंस ऑफ ह्यूमर स्पेशली व्हेन द सिचुएशन ग्रोज टेंस डिस्कशंस में, कोटेशंस आर इन अबंडेंस एंड आर मार्क्ड एज थर्ड ग्रेट क्वालिटी ऑफ द वर्क। बहुत सारे प्रामाणिक ग्रंथों से उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं अपने अपने रचना में। वी मे कंसिडर द सोर्स ऑफ माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह लाइक ए गुड रिसर्च वर्कर द ऑथर कंसल्ट्स द ओल्डेस्ट अवेलेबल एंड ऑथेंटिक संस्कृत वर्क फॉर कोटेशंस। अब जो इसमें सिस्टम्स हैं उसकी यहाँ पर एक सूची दे दी गई है, द चार्वाक सिस्टम, बुद्धिस्ट सिस्टम, जैन सिस्टम, रामानुज सिस्टम यानी कि विशिष्ट अद्वैत, माधवा सिस्टम यानी कि द्वैत, जो द्वैत के माधवाचार्य हैं यानी कि आनंद तीर्थ, ये माधवाचार्य उनसे भिन्न हैं। पाशुपात सिस्टम ऑफ नाकुलिशा, इनके बारे में, नाकुलिशा पाशुपात सिस्टम के बारे में हमने जब अविभाग भेदा भेद विज्ञान भिक्षु की वेदांत सूत्र पर भाष्य पर जो दो पुस्तकें देखी थी, उसमें जो मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी उसमें इस दर्शन का की चर्चा थी। शैव सिस्टम, प्रतभिज्ञान सिस्टम और कश्मीर शैविज्म, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से हमने शक्ति भाष्य का अध्ययन, जो वेदांत सूत्र पर शक्ति भाष्य पर आधारित पुस्तक थी उसमें काफ़ी विस्तार से प्रतिविज्ञान सिस्टम के बारे में चर्चा थी। शैव सिस्टम तो हम दो शैव भाष्य वेदांत सूत्र पर देख चुके हैं। मर्कुरियल और रसवेश्वरा सिस्टम, ये सिस्टम मैंने पहली बार इस ग्रंथ में ही पढ़ा है। वैशेषिक सिस्टम ऑफ कनाड, न्याय सिस्टम ऑफ गौतम, मीमांसा सिस्टम ऑफ जैमिनी, ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ पाणिनी, सांख्य सिस्टम, योग सिस्टम ऑफ पतंजलि और संकर सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट मोनिज्म। फिर ये आगे विभिन्न दर्शनों का जो 16 इसमें दर्शन है, एक तरह से उसकी समरी प्रस्तुत कर रहे हैं। चार्वाक, बुद्धिस्ट, अहर्थ यानी कि जैन सिस्टम, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञ, शैव, प्रतिविज्ञान, अक्षपात सिस्टम यानी कि आपका न्याय दर्शन, औलूक्य सिस्टम हो गया आपका वैशेषिक दर्शन, जैमिनी सिस्टम यानी कि मीमांसा, पाणिनी व्याकरण, सांख्य, पतंजलि दर्शन यानी कि योग दर्शन और शंकर सिस्टम यानी कि अद्वैत वेदांत। यहाँ पुस्तक के बारे में कुछ ग्रंथ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। द सर्वदर्शन संग्रह ऑफ माधवाचार्य हैज बीन पब्लिश्ड एट वेरियस प्लेसेज इधर विथ और विदाउट द शंकरा सिस्टम। तो हर में अद्वैत वेदांत वाला जो लास्ट दर्शन है 16वां वो नहीं है। SDS पब्लिश बाय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ओनली टेक्स्ट विदाउट द शंकरा सिस्टम, पब्लिश बाई जीवानंद भट्टाचार्य कलकत्ता, सेम विदाउट एडिशनल फॉल्ट्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाई कॉवेल एंड गॉग विदाउट शंकरा सिस्टम लंडन, हिंदी ट्रांसलेशन बाई उदय सिंह एंड पब्लिश बाई खेमराज श्रीकृष्णदास बॉम्बे विदाउट शंकरा सिस्टम, पब्लिश बाई आनंद आश्रम ग्रंथावली पूना। आनंद आश्रम भी बहुत बड़ी संस्थान है, बहुत ही सम्मानित संस्थान है, पुरानी संस्थान है जहाँ से प्रामाणिक संस्कृत के ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, पूना में है। पब्लिश बाई भंडारकल ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना विद द फर्स्ट संस्कृत कमेंट्री एंड अ स्कॉलरली इंट्रोडक्शन बाई महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर विथ कोपस इंडेक्सेस। तो हम जैसा देख सकते हैं कि कई सारों में अधिकतर में विदाउट अद्वैत वेदांत सिर्फ 15 ही दर्शन थे, 16 दर्शन, लेकिन हालांकि ये जो प्रस्तुत किया गया इसमें 16वां दर्शन है। फिर ये हिंदी वाली पूर्व पीठिका प्रारंभ हो रही है। अब इसमें अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वहाँ जैसे 16वां दर्शन का एक समरी दिया गया था, यहाँ पर ईश्वर, फिर विभिन्न दर्शनों में ईश्वर का क्या
ईश्वर के बारे में क्या मान्यताएं हैं, जीव के बारे में क्या मान्यताएं हैं, फिर वैसे ही संसार के बारे में क्या मान्यताएं हैं, तत्व विचार के ऊपर विभिन्न दर्शनों में क्या टीका टिप्पणी की गई है, उस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ माधवाचार्य का परिचय दिया गया है। दक्षिण भारत में तुंगभद्र नदी के किनारे पंपा सरोवर के समीप विजयनगर में एक सुप्रसिद्ध साम्राज्य था, जिसमें प्राय 1655 ईस्वी के आसपास में महाराज बुक सम्राट हुए थे। उक्त साम्राज्य की स्थापना महाराज हरिहर प्रथम ने माधवाचार्य की ही प्रेरणा से की थी। माधवाचार्य इन दोनों राजाओं के यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित थे। इनका परिवार बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा था। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकर्ता शायनाचार्य इसी वंश में हुए थे। इस वंश का नाम ही शायन वंश था। शायन और माधव की रचनाओं की तुलना करने में हमें मालूम होता है कि माधवाचार्य शायन के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम मायन और माता का नाम श्रीमती था। ये बौधायन सूत्र के मानने वाले यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। ये सूचनाएं माधवाचार्य की पराशर स्मृति की अपनी व्याख्या में प्रस्तुत होती है। इसके आगे ये एक और माधवाचार्य की जानकारी देते हैं, जो माधव मंत्री नाम से जाना जाते हैं। सेनापति थे और कई सारे योद्धा थे, युद्धों में भी उन्होंने भाग लिया था। अब यहाँ अंत में ये लिख रहे हैं, फिर भी माधवाचार्य यानी कि इस ग्रंथ के प्रणेता महाराज बुक के यहाँ मुख्यमंत्री थे तथा दूसरे माधव मंत्री से भिन्न थे। तो जो दूसरे हैं उनको माधव मंत्री से जाने, ये माधवाचार्य से जाने, और जो हमारे द्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं आनंद तीर्थ, वो माधवाचार्य हैं। माधवाचार्य श्रृंगेरी मठ में माधवाचार्य बाद में विद्यारण्य के नाम से शंकराचार्य बन गए। विद्यारण्य के विषय में अहोबल पंडित ने अपने तेलुगु व्याकरण में लिखा है, यानी कि जो ये माधवाचार्य हैं यही बाद में श्रृंगेरी मठ में शंकराचार्य बन गए और तब उनका नाम विद्यारण्य हो गया इनके अनुसार। और विद्यानारायण के रूप में इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, जैसे पंचदशी, वैयाशिक न्यायमाला इत्यादि। हालांकि वैयाशिक न्यायमाला में हाल ही में मैंने एक ये ग्रंथ लिया है और ये ऋषिकेश से एक आश्रम से प्रकाशित होता है, लेकिन उसमें रचयिता का नाम भारती तीर्थ है, जो इस ग्रंथ में माधवाचार्य और शायनाचार्य ने अपने गुरुओं का उल्लेख बहुत श्रद्धा से किया है। उनके तीन गुरु थे, विद्यातीर्थ, भारती तीर्थ और श्रीकंठ। तो भारती तीर्थ या माधवाचार्य के गुरु के रूप में लिखा गया है और वैयाशिक न्यायमाला के रचयिता माधवाचार्य को बताया गया है। हालांकि वो ग्रंथ भारती तीर्थ रचित वैयाशिक न्यायमाला इस तरह से प्रकाशित होता है। फिर यहीं उनके बारे में और अन्य जानकारियां दी गई हैं माधवाचार्य के बारे में। यहाँ पंडित वासुदेव शास्त्री जी अभ्यंकर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सर्वदर्शन संग्रह का उद्धार करने में महामहोपाध्याय पंडित वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर का नाम सबसे आगे की पंक्ति में रखा जाता है। अपनी संस्कृत टीका से युक्त संस्करण में उन्होंने जैसे अध्यावसाय का प्रदर्शन किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है, और उन्हीं पर आधार करके इन्होंने अपनी हिंदी में इसका ग्रंथ का अनुवाद किया है। विषय सूची यहाँ से प्रारंभ हो रही है, फॉरवर्ड, आशीर्वचन, इंट्रोडक्शन, पूर्व पीठिका हम देख चुके हैं, फिर दर्शन है। अब इसमें माधवाचार्य ने ऐसा फॉलो किया है कि जब वो चारवाक दर्शन के बारे में लिखते हैं तो वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते, वो किसी चारवाक दर्शन मत के अनुयायी के रूप में लिखते हैं, कि वो इस तरह से लिखते हैं कि चारवाक दर्शन में ही उनकी मान्यता है और वो फिर उस दर्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब हम अगले अध्याय में जाते हैं बौद्ध दर्शन, तो वो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक के रूप में लिखते हैं और उसके पहले जो दर्शन उन्होंने बोला था वो उसका खंडन करने लगते हैं। अब वो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक बन गए और चारवाक दर्शन की वो जबरदस्त खंडन करते हैं। फिर जब अगले दर्शन में जाते हैं जैन दर्शन, तो वो जैन दर्शन के प्रवर्तक बन जाते हैं या उसमें मान्यता रखने वाले बन जाते हैं और वो फिर बौद्ध दर्शन का खंडन करते हैं, और इसी प्रकार से हर अध्याय में होता जाता है। जब रामानुज दर्शन पे आते हैं तो जैन दर्शन का खंडन करते हैं, रामानुज का प्रवर्तन करते हैं विशिष्ट अद्वैत का। जब द्वैत में जाते हैं तो विशिष्ट अद्वैत का खंडन करते हैं, द्वैत का प्रवर्तन करते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर दर्शन में पिछले दर्शन का वो खंडन करते जाते हैं और अंत में वो स्थापित करते हैं शंकर दर्शन यानी कि अद्वैत वेदांत दर्शन। तो इस प्रकार से काफ़ी विस्तृत ग्रंथ है और इतने सारे इसमें प्रमाण हैं, कोटेशंस हैं। सिर्फ मूल ग्रंथ में ही नहीं, जो हिंदी के व्याख्याकार हैं उन्होंने भी अपनी व्याख्या में बहुत अधिक ग्रंथों का कोटेशंस दिया और परिशिष्ट में बहुत ही विस्तार से सूची भी दी गई है। तो कुल यहाँ देखिए 5 परिशिष्ट हैं उसके बाद अंत में। ये मंगलाचरण है, यहाँ से प्रथम दर्शन चारवाक दर्शन प्रारंभ हो रहा है। मूल संस्कृत में दिया गया है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है, और ये देखिए यहाँ विशेष हेडिंग दी गई है। विशेष हेडिंग देके और जो भी कुछ टिप्पणी है, कहीं पे हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, कहीं पे जो तकनीकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए परिभाषाएं दी गई हैं, कहीं पे कुछ जटिलताएं हैं तो उसको सरल बनाने के लिए सरल भाषा में समझाया गया है। तो इस विशेष से ग्रंथ को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। और एक सब्जेक्ट वाइज भी छोटा छोटा इन्होंने हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ देखिए तत्वमीमांसा, फिर तीसरा हेडिंग है सुख की प्राप्ति, दुख और सुख का मिश्रण, फिर उसके अंतर्गत जो संस्कृत मूल आ रहा है उसका हिंदी अनुवाद, संस्कृत मूल और उसका हिंदी अनुवाद। इस प्रकार से सभी दर्शनों को इन्होंने
कवर किया है। तो ये चार्वाक दर्शन चल रहा है, बौद्ध दर्शन चल रहा है। कहीं कहीं इस ग्रंथ में कुछ दर्शनों में मुझे ऐसे कुछ खंडन के ये मिले हैं, तर्क मिले हैं, जो तर्क मुझे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में भी दिखे थे। तो शायद स्वामी दयानंद सरस्वती का इस ग्रंथ से भी परिचय रहा होगा, क्योंकि उसी तरह समानांतर हैं दोनों तर्क जहाँ पे खंडन में प्रयोग किया गया है। हालांकि जैसे यहाँ चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन तो वेद का भी खंडन करते हैं, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है सत्यार्थ प्रकाश में, वो तो वेद को सर्वमान्य मानते हैं। लेकिन जहाँ भी उन्होंने जैसे पुराणों का खंडन किया है, तो समानांतर कुछ तर्क जो है प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार से सभी दर्शन यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ खंड मैं दिखा दूँ, हाँ, कहीं कहीं पे माधवाचार्य ने, जैसा आप देख सकते हैं कितने सारे दर्शन हैं, इतने सारे कोटेशंस हैं, तो कहीं कहीं पे उन्होंने कुछ जो व्याख्याकार हैं वो कह रहे हैं कि माधवाचार्य ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है, या वो ठीक से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उसका भी वहाँ पे उसको हाईलाइट किया हुआ है उन्होंने अपने रूपांतर में, हिंदी रूपांतर में। यहाँ पे एक तो छपाई का इशू है थोड़ा सा, ये देखिए नीचे का प्रिंट यहाँ मिट गया है। फॉन्ट साइज़ का जहाँ तक सवाल है, फॉन्ट साइज़ छोटा है लेकिन स्पेसिंग ठीक है, स्पष्ट है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा कहीं ऐसा नहीं है कि हल्का है या ओवरलैप है, एकाध जो अक्षर जो होते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं जिस तरह के, वो उस तरह की त्रुटियाँ हैं, लेकिन उससे कहीं भी अर्थ समझने में या पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। प्रिंटिंग का ये इकलौता यहाँ पर है जहाँ ये तिरछा ब्लैंक छपाई का इशू हो गया है, तो बाकी ऐसा कोई बहुत मेजर इशू प्रिंटिंग का नहीं है, पढ़ने में सुलभ ही कहा जाएगा ग्रंथ को। यहाँ ग्रंथ के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं। आस्तिक दर्शन की व्याख्या में माध्वाचार्य की एक प्रवृत्ति देखने में आती है कि उन्होंने सूत्र ग्रंथों के विषय वस्तु की सूची दे दी है। जिन दर्शनों में जैसे सांख्य में ऐसा नहीं कर सके, उनके सूत्र ग्रंथ उनके समक्ष उपलब्ध नहीं थे, या थे तो प्रामाणिक नहीं थे। इससे पूरे ग्रंथ का विषयों का अवगाहन कराना उनका लक्ष्य था। इसके बाद उस दर्शन की मुख्य समस्याओं पर भी वे विचार करते हैं। तो किस तरह से माधवाचार्य ने प्रस्तुत किया है, कहीं विषय सूची दी है, कहीं नहीं दी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो विशेष के अंतर्गत लिख रहे हैं हिंदी व्याख्याकार, राजशेखर ने इसका साहित्यिक अर्थ लिखा है। भाष्यकार के नाम से उदाहरण देने पर भी माधवाचार्य ने मनमानी की है, अपनी इच्छा से भाष्य की पंक्तियाँ का परिवर्तन करते चले गए हैं। तो ऐसी टिप्पणियाँ एक आध जगह और भी हैं जहाँ माधवाचार्य ने जिस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया है उससे अग्री नहीं कर रहे हैं जो हिंदी के हमारे व्याख्याकार हैं। तो 16 दर्शन इस ग्रंथ में दिए गए हैं। 760 पृष्ठ संख्या पे मूल ग्रंथ समाप्त हो जा रहा है। फिर ये प्रथम परिशिष्ट है, प्रमुख दर्शन ग्रंथों की सूची यहाँ दी गई है। ये ग्रंथ का नाम दिया गया है, ग्रंथ के रचयिता का नाम, किस विषय से संबंधित वो ग्रंथ है, जैसे कि व्याकरण, बौद्ध दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत वेदांत, और किस समय उसकी रचना हुई थी। काफ़ी ये विस्तृत सूची है, बहुत लंबे चौड़े यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ग्रंथ दिया गया है, प्रमुख दर्शन। और ये देखिए कितनी बड़ी सूची है, पृष्ठ संख्या 761 से प्रारंभ होकर 801 पे, करीब 40 पृष्ठों में ये सूची दी गई है प्रमुख ग्रंथों की, दर्शन ग्रंथों की सूची। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ग्रंथ जो हैं दर्शन शास्त्र पर उपलब्ध हैं। दूसरे परिशिष्ट में प्रमुख दार्शनिक यानी कि दर्शनकार और उनकी कृतियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ बोल्ड में दर्शनकारों के नाम दिए गए हैं और उनकी कृतियाँ दी गई हैं, जैसे आनंद तीर्थ, मध्वाचार्य, उनकी 22 कृतियों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए अभिनव गुप्त, उनके 8 कृतियों के बारे में जानकारी दी गई है, तंत्रलोक, तंत्रसार, तंत्र वटधानिका। इस प्रकार से इस द्वितीय परिशिष्ट में 500 से अधिक दर्शनकारों का नाम और उनके ग्रंथ, उनके जो रचनाएं हैं उनका नाम दिया गया है, देखिए 507। फिर परिशिष्ट 3 में सर्व दर्शन संग्रह में उल्लिखित ग्रंथ और ग्रंथकार, उनके नामों का उल्लेख किया गया है। फिर परिशिष्ट 4 में सर्व दर्शन संग्रह की उद्धरण सूची है, यहाँ उदाहरण आदि दिए गए हैं। और फिर परिशिष्ट 5 में शब्द अनुक्रमणिका है। और इसी प्रकार से पृष्ठ संख्या 863 पर, 863 पर ग्रंथ समाप्त हो जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा विद्याभवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।